ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹਲੂਣੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਹਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ मीडिया विच लगियां खबरों तों बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अपील की गई सी कि विशेष रेलगड्डियां चलाईआं जाण तां जो प्रवासी मजदूरां नूं उहनां दे सूबिआं 'च वापस भेजा जावे। केंद्र सरकार वल्लों विशेष रेलगड्डियां दी इजाजत मिलण तों बाद हुण सरकार वल्लों इन्हां मजदूरां नूं वापस भेजण लई रजिस्ट्रेशन शुरू कर दित्ती गई है जिस दे तहत बटाला दे 4 सुविधा केंद्रां विच इन्हां मजदूरां दी रजिस्ट्रेशन की गई। हाँ जी इतने क्यों खड़े जे बिहार जाने के लिए इतने की काम करते ही तुही चुनाई का काम कर रहे थे वो भी बंद है। अच्छा इतने फिर कितने रह रहे ही बेटर क्लास वापस क्यों जाने जाते थे यहाँ क्या करेंगे यहाँ कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है यहाँ रह के क्या करेंगे भूखे नहीं मर जाएंगे वैसे लॉकडाउन कर दिया चालू कर दिया वैसे तो वैसे अगर बिहार नहीं पहुँचाएगा तो वैसे भी मर जाएंगे। खाने पीने के लिए आपको कुछ मिल रहा है कितने दिन से नहीं मिल रहा है ये 1.5 महीने से और कुछ भी नहीं मिल रहा है हम लोग तो फिर अब आप क्या खा पी रहे हैं जो भी पैसा था वही खा रहे हैं अभी वो भी खत्म हो गया है। अब आप क्या चाहते हैं अब बिहार जाने के लिए चाहते हैं चाहते हैं कि घर चला जाए। नाम जो थोड़ा हमारा सर पंकज नाम है पंकज कुमार इतने तो की करना है इतने मैं काम करता हूँ मोल्डरिंग काम करता हूँ ढलैये का। हाँ जी तो यहाँ पे अब परेशानी हो रही है हम लोग को जब तक पैसा वो ऐसा था हम लोग खा पी रहे थे अपना जी रहे थे अब पैसा जेब में से ख़त्म हो गया है अब हम लोग चाहते हैं कि घर अपने जाएं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम हैं मऊ ज़िले के। कौन सी स्टेट पड़ती है? यूपी। यूपी यूपी मऊ ज़िला। कितने लोग हमारे यहाँ का हैं 15-20 आदमी हैं। तो आप जहाँ पे कहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पे रह रहे हैं तेजपुरा बटाला में तेजपुरा। नाम रमानंद मंडल है। कहाँ के रहने वाले हैं? कटिहार डिस्ट्रिक्ट के। तो जहाँ पर क्या करते हैं बटाला में? यहाँ पर मजदूरी करते हैं सर। अच्छा तो अब क्या आप चाहते हैं? अब घर जाने के लिए चाहते हैं यहाँ पे काम काज कुछ है नहीं खाने पीने के लिए भी नहीं दे रहा है राशन यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा हम सबको। तो इतने दिनों से फिर कैसे रह रहे हैं आप? अब जो पहले कमाए थे 2-4 दिन वही कमा कमा के अपना पैसे कोई बंदे काम करता है किसी का पहले से जो पास पैसे था वही हमको दिया है वही किसी तरह राशन चला रहे हैं और कितने आदमी भूखे भी बैठे हैं अभी भी। तो आपके बटाला में कहाँ पे रहते हैं? बटाले में पंडारी महल है। अच्छा तो कितने आदमी हैं आप टोटल? 150 आदमी हैं। तो इनको जो प्रशासन की तरफ से जो राशन वगैरह मिल रहा है आपको या नहीं मिल रहा? 3 दिन मात्र मिला जब लॉकडाउन चालू हुआ उसी टाइम 3 दिन गया उसके बाद कोई राशन नहीं मिला है। तो इतने दिन हो गए आपको कोई राशन मिला? कोई राशन उसे नहीं मिला है। अगर कहीं जाते हैं तो वो बोलता है DM के पास जाओ वो बोलता है वहाँ का नंबर देता है वो वहाँ लगाता है और जहाँ भी जाते हैं हम सबको भगा देता है बोल रहा है लोकल वाले के लिए राशन है बिहारी वासी के लिए नहीं है। आप राशन का पता करने के लिए गए थे कभी? हाँ गए थे। कितनी बार गए हो? 3-4 बार गए। अच्छा तो आपको राशन मिला नहीं? कभी नहीं मिला है राशन। अच्छा बोल रहा है यहाँ पे है नहीं राशन ये देखो नंबर ऐसे पर्ची दिखा के बस छोड़ देता हम सबको राशन कोई नहीं दे रहे हैं। ठीक है और लोकल आदमी हमारे सामने जाके राशन ले आते हैं और हम सबको नहीं दे रहा है बोला बिहार वाले के नहीं है ये सिर्फ लोकल वाले के लिए है। प्रसाद आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेतिया जिला। तो बटाला में क्या करते हैं आप? बटाला में ही मजदूरी करते हैं। कितना समय हो गया बटाला में आया आपको? हो गया 3 महीना हो गया। 3 महीना तो अभी लॉकडाउन के बाद कैसा चल रहा है? लॉकडाउन के बाद तो खाया पिया तो आज वो पुलिस वाले से भी मांगा मैं वो बोला कि चले जाओ उधर मिलेगा उधर गया तो बोला कि नहीं उधर नहीं मिलता है आगे जाओ। तो जो आज आपने जो फॉर्म पकड़ा हुआ है सुविधा केंद्र में आए वो किस लिए आए हैं? हम घर जाना चाहते हैं अपना परिवार से मिलना। तो आपका परिवार आप अकेले हैं जहाँ पर या और भी है कोई? अकेले हैं। बाकी परिवार हमारा बिहार में है। अच्छा तो कौन से शहर में? शहर बेतिया जिला पड़ता है कुमारगढ़ गाँव पड़ता है। छोटू कुमार मंडल। कहाँ के रहने वाले? कटिहार जिला।
आप जो आज आप सुविधा केंद्र में क्या करने आए हो? यहाँ पे हम मेहनत मजदूरी कर रहे थे, यहाँ पे सब आधार कार्ड मांगता है, ये मांगता है, मगर सब लीक के ले जाता है, राशन वासन देता नहीं है। हम सब कई दुनिया से भूखे पड़े हैं यहाँ पे, और हम जाने के लिए, घर जाने के लिए बस का और या कोई गाड़ी का सुविधा मांग रहे हैं, कोई देने के लिए इनकार नहीं। वो बोलता है वहाँ पे जाओ, वो बोलता है वहाँ पे जाओ, सिर्फ इधर उधर हम 3 दिनों से आज भटक रहे हैं, कोई हम कोई सुविधा नहीं दे रहा है। सब बोलते हैं यहाँ पे राशन पानी लोकल के लिए है, और कोई हम सबको देने के लिए तैयार नहीं है। जब से लॉकडाउन हुआ है आपके पास कोई राशन वगैरह आया? कितने नहीं, दिन आया? हमारे पास 2-3 दिन आया था पहले, हाँ। फिर उसके बाद डायरेक्ट बंद कर दिया। हम सब 3 दिनों से भूखे थे, फिर हम एक जगह, एक बंदे के पास 10,000 रुपया था तो वो दिया, तो हम 12-15 बंदे एक जगह थे, सब वही 10,000 से खा रहे हैं। आज पैसा भी खत्म हो गया, इसीलिए हम सुबह से भी भूखे हैं, और यहाँ पे आए हैं हम घर जाने के लिए, गाड़ी के लिए बोलने के लिए, तो वो बोलता है उधर जाओ, वो बोलता है उधर जाओ, कोई सुविधा दे नहीं रहा। हम यहाँ पे सर क्या करेंगे बताओ? आज जो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए हैं, जो अपने घर वापस जाने के लिए, वो आपका फॉर्म जमा हो गया, रजिस्ट्रेशन हुई है? नहीं, वो बोलता है उधर जाओ, बोलता है उधर जाओ, अभी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ आधार कार्ड लेके नाम पता ले लेता है, मगर कुछ नहीं करता। सुबह से कितनी देर से आए? सुबह से हम सुबह 9 बजे इधर आए हैं, कल सुबह 9 बजे आए थे, मगर कुछ नहीं, बोलता है आप जाओ कल आना, आप कल आना, डेली यही बोलता है। अब तो शाम पड़ने वाली है, आप सुबह के यहाँ पर सुविधा केंद्र के बाहर पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे सुबह से यहीं पड़े हुए हैं, अभी तक गए नहीं वापस, अभी तक ना खाने का कोई व्यवस्था है, ना कोई चीज का है, ना तो गाड़ी का परमिशन दे रहा है, ना कुछ दे रहा है, सिर्फ बोलते है आना कल आना परसों आना, और कोई जवाब ही नहीं दे रहा। फार्म आपका लिया या नहीं लिया? फार्म भर के नाम वाम लिख के, आधार कार्ड का नाम पता सब दे के रखे हैं, अब बोलते हैं नंबर दो ये कह के जो है डेली बात बढ़ाते आगे बढ़ाते हैं, मगर देता नहीं है कुछ। अभी आपको टर्म टोल किया गया? हाँ, और क्या, सुबह से ऐसे ही भटके हुए हैं, मगर पुलिस वाला डंडे मारते हैं, ये मारते हैं, बोलते हैं जाओ दूर हटो, अभी कुछ नहीं होने वाला, कल आना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, हम कितना सर भटकेंगे, भूखे प्यासे कितना दूर तक चलेंगे, किधर किधर जाएंगे? आप टोटल कितने आदमी हो जो आपके साथ है? हमारे साथ का, हमारे कटिहार जिला का कम से कम 100-150 बंदे हैं। अच्छा, सब ऐसे ही आते हैं, फिर घूम के चले जाते हैं। हमारे 3 दिन से तैयारी भी कर रहे थे, अब तैयारी भी टूट गया है, अब हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वो कोई सहारा नहीं है। गलत गल आ, अनाज नहीं मिले, आज कुछ नहीं, जिहड़े आ राधा स्वामी डेरे वाले रोज 5-7-10,000 पैकेट वंड रहे, इन्हां नूं वंड रहे, लोकां दी सैटिस्फैक्शन ही नहीं हो रही। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ 19 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਵਾ, ਕੰਸਰਨਡ SMOs ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਫਸਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਵਾ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਸਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ? ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ